मनोज तिवारी जी हमारे पास आ चुके हैं। मनोज तिवारी जी, ये बहुत बड़ी जीत है। अब 2024 में 400 450 क्या टारगेट है? 2024 में भी लोग जो विश्वास दिए हैं उसको ऐतिहासिक रिपीट करेंगे। मुझे लगता है अब 400 पार में कोई संदेह नहीं है 2024। राहुल गांधी पनौती कह रहे थे, देखिए। हरि प्रणाम भैया। सर सर, एक टिप्पणी आपकी भी। मंजीतर भाई, मनोज तिवारी जी, राहुल गांधी पनौती कह रहे थे प्रधानमंत्री को। देखो, जो जैसा रहता है वैसा कहता है। अब आज कांग्रेस के लोग सोचें कि उनके लिए राहुल गांधी क्या है। इस देश के लिए शुभ हैं नरेंद्र मोदी जी, इस पूरे देश के लिए शुभ हैं। और छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और यहाँ तक कि तेलंगाना में भी, आपको पता है ना कि हमारे कार्यकर्ता ने केसीआर को भी हराया और जो सीएम कैंडिडेट थे कांग्रेस के उनको भी हरा दिया। तो तेलंगाना में भी उन दोनों जो लीडर थे, सीएम एक थे और होने वाले थे, दोनों को हरा दिया हमारे कार्यकर्ता ने। ये जो विश्वास है वो इसलिए है कि देश की जनता नरेंद्र मोदी जी में अपना शुभ देखती है और उनके साथ चलते हुए भारत को 2047 तक विकसित देश बनाना चाहते। हमको पता है आपको अंदर जाने की जल्दबाजी है, चलते चलते एक गाना तनी भोजपुरिया स्टाइल में हो जाओ राहुल गांधी खातिर, जौन माहौल बनल बा ओकरा खातिर। देखिए, हम लोग छत्तीसगढ़ में एक गाना गाते थे कि अब नहीं सही वो बदल के रही वो, जन जन के तैयारी है, जैसा देखा वैसा पाया अपन मनोज तिवारी है। नरेंद्र मोदी जी की अब तो, नरेंद्र मोदी जी की अब तो आगे की तैयारी है, नरेंद्र मोदी भारत का सपूत, सब सनातन विरोधियों पे भारी है। आप लग गया सनातन का? लग गया है जी बहुत, और अभी बहुत लंबा लगेगा। विकास भी करना है, सभी धर्मों का सम्मान भी करना है, सनातन का गौरव भी बढ़ाना है और भारत को चांद पे पहुंचाना है। सब कुछ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी। अभी आगे तो मैं तो सोच रहा हूँ आज उनको सामने से प्रणाम करते हुए कहूँ कि आप हे भारत के शुभ, यूं ही बढ़ते रहना, भारत को बहुत आशाएं हैं, उन आशाओं पे चलते रहना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज तिवारी जी हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।